जिम्मेदारी क्या मिलेगी? सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिम्मेदारी क्या है? लेकिन अभी बड़े तो आपको बताऊं, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, उसको पता नहीं जेठ का महीना भी आता है जिसमें सब कुछ जल जाता है और सूखा भी आता है, लेकिन वो सावन का अंधा है ना। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव हो रहा है और खड़गे जी अध्यक्ष बनने बनना लगभग तय है उनका, और जब नया अध्यक्ष बनेगा तो बदलाव तो होगा ही। राजस्थान के बदलाव की हम इस बात कर रहे हैं कि आप अपने मतलब जो वक्तव्य पे स्टैंड रखते हैं कि एक बार फिर से पायलट साहब को कोई जिम्मेदारी मिले, या जो लगातार बातें चल रही थी उसको लेकर एकदम जिम्मेदारी क्या मिलेगी? सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिम्मेदारी क्या है? लेकिन अभी बड़े गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि युवाओं की रगड़ाई अभी भी होनी चाहिए, युवाओं को जल्दी पद मिल जाता है, लिहाजा उनको कोई पूछा नहीं। सचिन पायलट जी की उम्र में गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए थे लगभग, और उस टाइम में भी जितने भी सीनियर लोग थे, परशुराम मदेना जैसे लोग, शिवचंद्र माथुर जैसे लोग, एक बड़ी खेप थी, कम से कम राजस्थान के अंदर 20 से 30 बुजुर्ग थे, उन सबको साइड करके और गहलोत साहब वो एक लाइन के प्रस्ताव से मुख्यमंत्री बने थे, और ये जब मुख्यमंत्री बने उनका कार्यकाल भी शानदार रहा। जब पहली बार मुख्यमंत्री रहे तो नौजवान थे, काम भी आदमी नौजवान ज्यादा काम कर लेता है, ज्यादा घंटे काम कर लेता है, जोश से काम कर लेता है, उम्र का तगादा तो रहता ही है। गहलोत साहब ने कहा कि बिना रगड़ाई जिनको पद मिल गए वो देश में फितूर कर रहे हैं, मतलब तो यूथ है, बोले अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, ये बात गहलोत साहब की सही है, अनुभव है, अनुभव को आप साइड नहीं कर सकते, लेकिन आप जोश को, नौजवान को और यूथ को भी आप साइड नहीं कर सकते। इसके बिना भी है ना, जितने भी दुनिया में रिजल्ट लिए हैं, आदि शंकराचार्य 33 साल के थे दुनिया में नाम करके चले गए, विवेकानंद जी 36 साल के चले गए, सिकंदर मान 27 साल का पूरी दुनिया को जीत के चला गया पूरी दुनिया में से, तो जितने भी रिजल्ट आए हैं वो सारे नौजवानों ने बहुत बहुत रिजल्ट लिए हैं इसी के अंदर। कि यदि आप नौजवान को, जोश को आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? आप उम्मीद रखना, जल्दी आएगा, अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, इसके बाद में जो लोग कह रहे थे हम आलाकमान का फैसला नहीं मांगेंगे, सारी माफी मांग रहे हैं, सारे लोग माफी मांग रहे हैं, हमारे मुख्य सचेतक साहब को ले लो, धारीवाल साहब को ले लो, राठौड़ साहब को ले लो, बाकी वालों को ले लो, और मैंने जो जो कहा था वो लगभग सारी चीजें हो जाएंगे, देख लेना, मैं मेरे स्टेट पर कायम हूँ। अब जोधपुर जा रहा हूँ जल्दी, दीपावली के पहले या दीपावली के बाद जाऊंगा जोधपुर, और उनको उनको बोल के जो बातें हो वही बोलना चाह रहा हूँ। गजेंद्र सिंह जी को शेखावाटी की राजनीति जानते नहीं है, शेखावाटी में जन्म ही लिया है, पैदा होने से नहीं, शेखावाटी के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि शेखावाटी में 21 सीट है, 3 रिजर्व है, 18 सीट बाकी जनरल है, उनमें आके चुनाव लड़ लो, पता चल जाएगा क्या होता है। मां जोधपुर आके बताऊंगा उनको, बहुत सी ये लंबा चौड़ा आपस का मामला है, वो मेरे बड़े भाई है, उम्र में मेरे से बड़े हैं, और ये इस मामले के अंदर जो शुरुआत उन्होंने की है तो उसका जवाब वहीं जाके दूंगा। गजेंद्र जी ने आपके इलाके में आकर के बात कही है, तो क्योंकि जवाब लाजमी बन जाता है, उन्होंने भरतपुर के का भी एग्जांपल दे दिया कि आज यहाँ है वहाँ, इसलिए जवाब मांग रहे हैं। देखिए, मैं जिस जिले से आता हूँ, जिस जिले से मैं आता हूँ, उस जिले की राजनीति या शेखावाटी की राजनीति को गजेंद्र सिंह जी समझते नहीं है, और यदि वो समझ रहे होते तो वो बात नहीं बोलते। और इस मामले के अंदर मैं तो यही कहूंगा कि राजनीतिक में वो अच्छी बात है, वो चुनाव जीत गए, मंत्री दिल्ली के अंदर बन गए, लेकिन आपको बताऊं, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, उसको पता नहीं जेठ का महीना भी आता है जिसमें सब कुछ जल जाता है और सूखा भी आता है, लेकिन वो सावन का अंधा है ना, उसको हरा ही